हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार सब्जी। आज मैं आपको अपने तरीके से शेयर करने वाली हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। पहले हम देख लेते हैं कि मटर पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या मसाले की आवश्यकता है, वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। आधा के जी हम पनीर ले लिए हैं, 250 ग्राम मटर। तड़के के लिए हम यहाँ पे 7-8 लहसुन की कली ले लिए हैं, जिसे इस तरह बारीक हमने काट लिया है। हींग, 2 तेज पत्ते हैं, जीरा है और 2-3 सूखे लाल मिर्च हैं। देखिए, हम यहाँ पे 3 प्याज लिए थे, इसको हमने इस तरह काट लिया है। ये 3 टमाटर है, इसको भी हमने इस तरह काट लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा खड़ा मसाला लिया है। यहाँ पे सूखा मिर्चा है, इसको हमें ग्राइंड करना है। चलिए पहले हम पनीर को काट लेते हैं। इस तरह हमें पीसेस में काटना है। इस तरीके से हमने पनीर को काट लिया है। अब जा रहे इसको फ्राई करने। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल ऐड कर ले रहे हैं। कुकर गर्म हो गया है, इसमें हम तेल ऐड कर रहे हैं। सरसों का तेल हम लिए हैं, इसमें हम चुटकी भर हींग डाल दे रहे हैं, तेज पत्ते, इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। इसको अब हम 2 सीटी लगाएंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से गल जाए। देखिए, 2 सीटी हमारा हो चुका है। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से गल गया है। देखिए, इसमें अब हम मसाले ऐड कर दे रहे हैं। मसाले को हमको 3-4 मिनट तक इसको पकाना है। मसाले के साथ हम मटर भी ऐड कर रहे हैं ताकि जो मटर है हमारा वो अच्छे से गल जाए। इसमें हम थोड़े मसाले ऐड कर दे रहे हैं। देखिए, मेरा पनीर मसाला है, थोड़ा सा ऐड कर दिए हैं। लाल मिर्च पाउडर है और ये धनिया पाउडर है, इसको अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। मटर अच्छे से गल गया है, इसमें हम फ्राई किया हुआ पनीर ऐड कर दे रहे हैं। देखिए, इसमें हम गुनगुना पानी डालेंगे, पानी को गुनगुना कर दिए हैं। सिर्फ 1 सीटी लगाएंगे। देखिए, मेरी सब्जी बनके तैयार हो गया है, इसको हम सर्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड, मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है और मैंने इसे कितने अच्छे से बनाया आप देखे हैं। इसे आप भी ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।